से बोला जाएगा ऑक्सीडेटिंग एजेंट, क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेटिंग एजेंट। अब यहाँ कहता है ऑक्सीकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभी कौन क्रिया के लिए ऑक्सीकरण क्रिया के लिए आवश्यक अभी क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ देखेंगे गौर से सी प्लस O2 क्या बनाया CO2। बताओ ये अभी कारक है ये प्रति हाँ। ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, आई से नया पदार्थ का निर्माण हुआ। तब यहाँ देखेंगे सी ने किसका सहयोग किया ऑक्सीजन, तो सी ने जब ऑक्सीजन का सहयोग किया तब बताओ ऑक्सीकरण कहलाएगा कि अवकरण, क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया, कार्बन ने ऑक्सीजन का क्या किया संयोग करके क्या बनाया, कौन अभिक्रिया कहलाएगा। तो कार्बन ने किसको संयोग किया, तो जो संयोग करेगा उसका क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे ऑक्सीकरण किसका होगा कार्बन क्लियर। और बताया जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहता तब बताओ मिलकर के सीओ का निर्माण होता नहीं होता, इसलिए आवश्यक पदार्थ कौन है वो है आवश्यक पदार्थ वो है, तो कहेंगे इसमें जो ऑक्सीकारक होगा वो O2 है। ऑक्सीकारक कौन है O2 किसको बोलेंगे ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अब कारक है क्या बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे। अब कहता है अवकरण क्रिया के लिए कौन क्रिया के लिए